सरकार ने टैक्सेस को कम नहीं किया। वाकई में इतना आक्रोश फूट पड़ा है, दो आंकड़ों में रह जाएगी सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे अर्चना जी के साथ, काफी सारे लोग भी हमारे पास हैं, उनके मन में भी काफी सारी बातें हैं, हम सीधे चलते हैं उनके पास। जी, अभी तक आपने जिन लोगों के भी विचार सुने, सबने उनको अपने अपने दल के उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन एक मध्यम परिवार का मुखिया होने के नाते अगर मैं इस पेट्रोल की वृद्धि को जस्टिफाई करना चाहूँ, बेटे के मोटरसाइकिल का पेट्रोल, बिटिया की स्कूटी का पेट्रोल, मिसेस के सिलेंडर का जो एक्सपेक्टेड है इंक्रीज, तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में तो ये जस्टिफिकेशन 60 रुपये पर लीटर जो इंक्रीज किया बहुत मुश्किल है। इसके दो ही रास्ते हैं, या तो मैं उनको वापस साइकिल पे ले आऊं, पीछे चला जाऊं। तो जो हम ग्रोथ देख रहे हैं उस ग्रोथ के लिए हमें आगे की सोचनी चाहिए। पेट्रोल वृद्धि से पहले अगर सरकार रोजगार नए पैदा करे और आगे बढ़ने के लिए आगे कमाई के साधन अगर और बढ़ाए तो ये अफोर्डेबिलिटी उसके लिए आसान हो जाती है। और अगर एकदम से इतना पेट्रोल बढ़ाना, अगर वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए तो शायद एक आम आदमी में उसको उस छोटे छोटे झटके को आसानी से सहन कर लेगा बजाय इतने बड़े झटके। लगता है बराबर झटके मिल रहे हैं, सरकारें देती जाती हैं कि आप मजबूत बने। सर इतना बड़ा झटका तो पहली बार आया ना सर, ये अगर ये पहले भी मूल्य वृद्धि हुई है पेट्रोल में, थोड़ी थोड़ी हुई है, एक लेवल तक हुई है, उसको एक आम आदमी सहन कर सका क्योंकि उस हिसाब से शायद उसकी कमाई भी बढ़ी, उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, उसकी बाइंग परचेजिंग सेलिंग पावर भी बढ़ी। लेकिन एकदम से इतनी मूल्य वृद्धि मेरे ख्याल से एक आम मध्यम वर्गीय परिवार तो अफोर्ड नहीं कर सकता। चलिए, मध्यम वर्गीय परिवार इसको सह नहीं सकता। मोहन जी, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा विषय मैंने पहले अर्चना जी से भी उठाया था, अर्चना जी उसको थोड़ा सा साइड में छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ गई लोक कल्याण की बातों पर जो इनकी सरकार ने की है। सेस का टैक्स का विषय था पेट्रोल पर, राज्य सरकार अपना टैक्स घटाए, 2% घटाया, आपकी सरकार थी तो ये मांग करते थे, इनकी सरकार आ गई आप मांग कर रहे हैं। देखिए, ये जो पेट्रोल का जो इशू है वो बेसिकली डॉलर की जो रेट बढ़ी है और रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है उसके कारण हुआ है, जैसा कांग्रेस के हमारे साथी कहते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मान नहीं रहे आगे की बात। मैं ये कह रहा हूँ, आया हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप डॉलर का अपग्रेडेशन रोक क्यों नहीं रहे हो, रुपए का अवमूल्यन रोक क्यों नहीं रहे हो, रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे हैं, सारी फ्री इकोनॉमी आपके पास डॉलर का रिजर्व है, यू कंट्रोल इट। हमारा सारे देश का इम्पोर्ट महंगा हो गया, देश में लोग बाग पैसा लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग पैसा कमा रहे हैं और डॉलर के इस अपग्रेडेशन से डाउन होगा तो ले आएंगे, अप होगा वापस ले जाएंगे, ये क्या हो रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है और आम आदमी पर आप भार डाले जा रहे हो, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, बहुत ही सीरियस विषय है। देश की जनता को इस बारे में सोचना चाहिए कि डॉलर आखिर क्यों बढ़ रहा है, ऐसी क्या क्राइसिस आ गई, एकदम डॉलर बहुत बढ़ गया, एकदम रुपए का अवमूल्यन हो गया, ऐसा क्या हो गया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही दूसरा विषय ये भी है कि राज्य सरकारें, आप गोवा की राजस्थान से तुलना नहीं करिए, लेकिन राजस्थान अपने आप में एक तेल उत्पादक देश राज्य हो गया। अब जब हमारे यहाँ तेल हो रहा है, 4800 करोड़ रुपये की रेवेन्यू उससे आ रही है और 1200 करोड़ रुपये का हम टैक्स लगा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि हम इसमें से 600, 700, 800 करोड़ रुपए कम कर दें। आम जनता को रिलीफ देना है ना, डॉलर को भी नहीं रोकेंगे, उधर रेवेन्यू बढ़ाए जाएंगे इसकी तेल की, और यहाँ कम भी नहीं करेंगे और गोवा के बराबर हम नहीं है साहब, 40 जो है राज्य हो गए। एक सवाल और आपसे, एक सवाल और कि आज अगर आपकी सरकार होती और स्थितियाँ ये होती तो क्या करते? देखिए, हमारी सरकार होती तो हम जो है अमेरिका को आंखें दिखा देते, और पहले भी दिखाई आंखें, परमाणु बम का विस्फोट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, और उस वक्त सारे देश भर सारे विश्व में प्रतिक्रिया हुई, भारत का बहिष्कार किया गया, आर्थिक बहिष्कार करेंगे। अटल जी ने कहा बहिष्कार कर दीजिए, देश का स्वाभिमान जागृत है, हम अपने आप देशवासियों का स्वाभिमान जगा करके देश को चलाएंगे। और उन्हीं लोगों ने, अमेरिका के और गुड़गांव ने, उन देशों ने अपने आप आर्थिक बहिष्कार कम किया, भारत की ओर झुके और हमने अपना राष्ट्रीय स्वाभिमान पुनः प्राप्त किया। आज हमें अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अमेरिका अपने आप में डाउन हो रहा है, हम अमेरिका की ओर देख रहे हैं, अमेरिका जी 2G 3G हाँ जी हाँ जी, बस ये कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए मोहन जी, आपको भी रोक रहा हूं। सोनिया जी हाँ जी, चलिए आपको भी रोक रहा हूँ। रवि जी, आपके पास आ रहा हूँ। मोहन जी ने जो बात की, नहीं नहीं आपके पास, सत्यनारायण जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। सत्यनारायण जी, रवि जी मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ, उन्होंने स्वाभिमान की बात की, प्रतिबंध लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, अर्चना जी ने आंकड़ों की बात की,
आंकड़ों की बात, स्वाभिमान की बात, लेकिन आम जनता इस बीच में से कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, क्योंकि जनता सिर्फ एक बात का सवाल चाहती है कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है। ये बात बिल्कुल जरूरी है, ये सोचने का विषय है। मैं जहां तक मान के चलता हूं, जहां तक हमारे सुरेश जी भाई साहब कह रहे थे, हमारे व्यापारी साथी हैं, कि इसमें जनता भी जिम्मेदार है। आप ये देखिए कि कभी 50 पैसे 25 पैसे लीटर तेल बढ़ता था और सड़कों पर जनता आ जाती थी, तमाशा देखने वाला था, चक्का जाम हो जाता था, रास्ते जाम हो जाते थे। सरकार ने थर्मामीटर लगा के देखा कि अब 8 रुपये, हमेशा अभी कुछ साल से रुपया 2 रुपये लीटर तेल बढ़ रहा था, इस बार छलांग लगाई है 4 गुना, 2 रुपये से 4 गुना, 8 रुपये। और अब आप ये देख लीजिए, अब छलांग लगेगी सीधी की सीधी 100 रुपये लीटर पेट्रोल करेगी सरकार। इस सरकार ने जनता को थर्मामीटर लगा के देखा कि जनता के क्या प्रतिक्रिया। आज सड़कों पर देखो अब कितने सारे लोग हैं जो बैठे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये जनता की भी कमजोरी है, जनता को सड़कों पे आना चाहिए। मैं जनता को आपके टीवी के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जनता को सड़कों पे आना चाहिए और इस सरकार का विरोध करना चाहिए। आपको आपको आप पे भड़काने का आरोप लग जाएगा जनता लगे आना चाहिए। ये क्या है लोग, अगर चलिए चलिए उसके बाद पीछे हम चलते हैं, और भी हमारे साथ कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है जो रवि जी ने एक बात कही है, इधर चलते हैं हम, हमारे साथ बिल्कुल युवा है एक एक, क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि शायद सरकारें अब जनता की वो थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर ले रही है कि अगर हमने इतना बढ़ाया तो क्या प्रतिक्रिया होगी। एक आम, एक मैं आप छात्र के नाते आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, राजनीतिक लोगों को राजनीतिक बातें करने दीजिए। एक आम जहाँ तक बात है एक छात्र की, तो मैं ये बता दूँ, एक और तो कांग्रेस सरकार देश की विकास की बात करती है, उसमें युवाओं की विकास की बात करती है, दूसरी ओर जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आज स्टूडेंट अगर अपनी बाइक से कहीं जाता है, 78 रुपये लीटर का पेट्रोल डलवाता है, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर वो गाड़ी चलती है, तो वो मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं दूर जाके कोचिंग कर सकता है, ट्यूशन जा सकता है, कॉलेज जा सकता है। वो जिस गांव से आया है मुझे लगता है वो वहीं बस जाएगा। और विकास की बात है तो वो तो वहीं रह जाएगी, जहाँ पे देश 10 साल पीछे था वह पीछे ही चला जाएगा। और अगर बात करें सरकार की भी, तो कांग्रेस सरकार तो दोहरी नीति तो हमेशा अपनाती आई है। आज 8 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल के अंदर, कल हो सकता है कि 2 रुपये घटा देगी। अब मैं आप बेवकूफ बनाने का सिस्टम तो शुरू से कि वो राजनीतिक बातें करने के लिए तो बहुत सारे बुलाए हैं, पर एक आम छात्र की बात है। सुमित जी एक आम छात्र की बात है कि हम शायद बढ़ना चाहते थे, घूमना चाहते, लेकिन उनका कहना है जो कैसे उसको अफोर्ड करे, एक जो आर्थिक रूप से संबल है वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन आम जो मध्यम वर्गीय है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात आई, एक छात्र की बात आई। महंगाई की मार चारों तरफ है और इसको जितने भी हमारे अर्थशास्त्री बैठे हैं उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि गंभीर समस्या ये है कि अभी जैसे मैंने आपको एक आंकड़ा देता हूँ छोटा सा, आप कहेंगे मैं फिर आंकड़े पे आ गया, अगर 1 रुपये लीटर डीजल बढ़ा देते तो 8 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 90% खपत भारत की सिर्फ डीजल की है, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं होगी, और 1 रुपये बढ़ाने से आपके 9 रुपये के बराबर कॉस्ट बढ़ जाती। तो सरकार अगर सोचे ढंग से, और मेरे को ताज्जुब इस बात का होता है, हिंदुस्तान के युवा इतने प्रतिभाशाली हैं कि अमेरिका को चला रहे हैं और हमारे पास ऐसे लोगों की कमी है जो इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पेट्रोल पंप व्यापारी सबसे कम मार्जिन पर ऑपरेट करता है, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए और सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो। हम टैक्स लगा के जनता पे भार नहीं डाल सकते, टाइम आ गया है, हमें एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने जो बात कही है वो बात मूल की बात है। सत्यनारायण जी हंस रहे थे, मैं इनके पास आ रहा हूँ। सत्यनारायण जी, व्यवहारिक रूप से सोचा नहीं जाता, और उनकी दूसरी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसको शायद सरकारों को सोचना चाहिए कि टैक्स हर चीज का हल नहीं है, हमको वैकल्पिक आय के स्रोत खोजने होंगे जो सरकारें खोजती नहीं है। टैक्स में वृद्धि नहीं हुई है, आज डीजल की रेट बढ़ाने की उन्होंने बात नहीं, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि टैक्स या दाम, मैं कोई उदाहरण दे रहा हूँ, तो उस पर किसान पर असर पड़ता, उस पर माल के ढोने के ऊपर ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ता, पेट्रोल के ऊपर का जो असर पड़ता है वो कंज्यूमशन करने वाले के ऊपर, जो जो कंज्यूमर है उसके ऊपर अधिक पड़ता है। मैं ये बात करता हूँ कि हम सब लोग बड़े बड़े लोगों की निंदा करने लग जाते हैं, बड़े लोगों की बात करने लग जाते हैं, इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि डॉलर की कमी के मुकाबले रुपये में की कीमत में कमी क्यों हुई, वर्ल्ड की जो स्थितियां क्या चल रही हैं, यूरोप की स्थितियां क्या चल रही हैं, इंपोर्ट प्राइस कितनी बड़ी है। ऑयल कंपनियों ने ये कहा है कि हम कुछ दिनों में, ऑयल कंपनियों ने ये कहा है कि हम कुछ दिनों में, क्योंकि उम्मीद है कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, तो बाहर से कम। मेरा मेरी आपसे निवेदन है, थोड़ा सा
मुझे बोल लेने दे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरा एक सवाल आपसे है। हाँ फरमाएं। मेरा एक सवाल आपसे है कि ये सब चीजें हैं, उन्होंने भी कहा है, अर्चना जी भी कह रही हैं, मोहन जी भी मानने को तैयार हैं, डॉलर बैरल अंतर्राष्ट्रीय और डॉलर की कीमत गिरना, लेकिन आम पेट्रोल पंप पे मोटरसाइकिल पे पेट्रोल भरा रहे एक व्यक्ति को क्या सरकार ये समझाने में सक्षम होगी? देखिए, मिडिल क्लास के व्यक्ति, और जैसा इन्होंने बताया कि कोई लड़का है 50-60 किलोमीटर मोटरसाइकिल लेके जाता है, इन्होंने अभी कल्पना उन गांव के लड़कों की नहीं की जिनको को पैदल जा करके स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जाते हैं। तो हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की स्थिति है उसके अंदर ये सही है कि जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल लेने जाएगा या जो स्कूटर पर लेने जाएगा या एल्ट्रो कार में लेने जाएगा उसको ये बुरा लगेगा, असंतोष होगा, बीजेपी वाले भी टायर भी जलाएंगे, गालियां भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। मगर मेन प्रश्न ये है जो आपने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे लोगों में असंतोष पैदा करने के लिए जो पार्टियां मर चुकी थी जिनके इनको कोई इनको मुद्दा मिल गया, इनको एक मुद्दा मिला है, उसके बारे में हमने भी मान लिया है, उसके बारे में कहने के लिए हमारी इस कीमतों में इससे असंतोष भी आया है और सरकार इस पर विचार भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी जो है वो सरकार को लिखा है कि इसके बारे में विचार करें। चंद्रमान जी ने भी कल कहा था कि इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। हो सकता है मुख्यमंत्री जी भी वैट के बारे में विचार करें। अभी तो एक दो दिन ही हुए हैं और दो तीन रोज के अंदर हो सकता है कोई असर हो, मगर ये मान के चलें कि जिस ढंग से ट्रांसपोर्टेशन का फर्क है राजस्थान में ही नहीं इंडिया भर में पड़ रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, आज जौहरी बाजार में एक एक व्यापारी की चार चार कारें जाके खड़ी होती हैं, आठ आठ दस दस व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, आने जाने का तरीका बदल, तो इसका रास्ता यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किया जाए। अब मेट्रो करूंगा तो भी मोहनलाल जी वाले व्यापारी इनके तो नहीं है ना? नहीं तो इन्हीं के हैं। अगर मेट्रो की बात होगी तो इनको बुरा लगेगा, ये कहेंगे इतना पैसा तो यूं ही खर्च कर देना चाहिए था, मेट्रो क्यों चला रहे हैं, या कोई और कोई दूसरी बस सिस्टम लाएंगे तो उस पर करेंगे। तो इसका असर तो पड़ेगा, महंगाई पर तो असर पड़ेगा, लोगों में असंतोष करने की कोशिश होगी, इसका गवर्नमेंट को ध्यान है और गवर्नमेंट करेक्टिव स्टेप्स उठाएगी, जरूर उठाएगी। मगर ये मान के चलें कि जब अगर वर्ल्ड मार्केट में पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, अगर डॉलर जो है उसके मुकाबले रुपए की कीमत कम होगी, अगर हमको देश के अंदर और लोक कल्याणकारी योजनाएं समन्वित विकास सारे गांव एरिया में करना होगा। मुझे तो शर्म आती है किसी ने गोवा का मुकाबला राजस्थान से करके कर दिया, यहाँ गांव में पानी पीने के लिए व्यवस्था करने की जरूरत है और यहाँ ये पेट्रोल पे वैट की बात। चलिए सत्यनारायण जी, आपको रोकता हुआ मोहन जी, आपको टायर जलाने के खूब सारे मौके इन्होंने कहा कि हमने दे दिए हैं, अब तो उनका कहना है कि गोवा की राजस्थान से तुलना नहीं की जा सकती और वही एक बड़ी। हाँ जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुलना नहीं की जा सकती। गोवा में कहाँ पेट्रोल का उत्पादन है, तेल का उत्पादन यहाँ राजस्थान में हो रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार जैसे गोवा ने कम किया है वैसे ही राजस्थान सरकार पेट्रोल पर वैट और सेस कम करे, आम जनता को राहत होगी। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा, मनमोहन सिंह जी ने भी कहा है सोनिया जी ने भी कि राज्य सरकारें अपना वैट कम करें, सुन ही नहीं रहे। अब मैं फिर कहूँगा बुरा मत देखो, सुनते ही नहीं है तो क्या करें, फिर टायर जलाने पड़ेंगे। और आम जनता यही करेगी, सुनते ही नहीं है। मोहन जी क्या विरोध पक्ष की बात भी नहीं सुनते हैं, अपने लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं, आखिर डेमोक्रेसी में हमारे पास रास्ता क्या है? तो फिर शायद जो आपने रास्ता बताया वो आपको मुद्दा मिल गया है कार्यक्रम में। मोहन जी, हम ये चर्चा आपके पास वापस लौटेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। बहुत अब पेट्रोल की चर्चा जो है बिल्कुल गर्म हो चुकी है, गर्मा गर्म चर्चा है पेट्रोल की और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरकार ने टैक्सेस को कम नहीं किया, वाकई में इतना आक्रोश फूट पड़ा दो आंकड़ों में रह जाएगी सरकार।